and we tried our best to select and to make the test in which all questions resemble with the question of, like PPSC exam. और इसमें जो है हमने सारे ही जो है क्वेश्चन जो है वो डाले हैं वैरायटी वाले, जिसमें कंफ्यूजिंग भी हैं, जिसमें सिंपल भी हैं, जिसमें थोड़े से जो है कॉम्प्लेक्स भी हैं, सोचने वाले भी हैं. तो आप लोगों को पहले से इन्फॉर्म कर दिया था इस टेस्ट के लिए, बार बार आपको बताया गया. तो मेरा ख्याल है कि अब आप जो है वो रेडी हैं, आपने इसको एक अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है, कॉपी पेंसिल आपके हाथ में है. तो हम बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ. आपको टाइम पूरा मिलेगा सोचने के लिए, और जिनको प्रॉब्लम है स्लाइड्स में उनको ब्लर नज़र आती हैं, तो मैं जो है बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़ूंगी ताकि वो उसको आसानी से समझ सकें. तो क्वेश्चन नंबर वन, Which of the following digestive juice has minimum pH value? Which of the following digestive juice has minimum pH value? A पे है bile, B gastric juice, C saliva, D pancreatic juice. Question number two, essentially the word digestion means, option burning of food, B oxidation of food, C hydrolysis of food, D all of these. Yani digestion mean burning of food, B पे है oxidation of food, C hydrolysis of food, D पे all of these. Question number three, identify the characteristic of acylomates. Identify the characteristic of acylomate. A पे है absence of mesoderm, B absence of brain, C coelom that is incompletely lined with a mesoderm, और D पे solid body without a cavity surrounding internal body structure. Question number four, flame cells are the excretory structure for, flame cell किन की excretory structure है? A पे annelida, B salentrates, C platyhelminthes, या D पे echinodermata. Annelida, salentrate, platyhelminthes या फिर echinodermata. Next, question number five, the classification of phylum Porifera is based on, option A branching, B symmetry, C spicules, D reproduction. Question number six.
सिलेक्ट द करेक्ट पेयर, आपने करेक्ट पेयर जो है उसको सिलेक्ट करना है. ए पे है आर्थ्रोपोडा, उसके साथ है सिल्वर फिश, आर्थ्रोपोडा सिल्वर फिश. बी पे पाइसिस जेली फिश, पाइसिस उसके साथ जेली फिश. सी इकाइनोडर्मेटा और उसके साथ है कटल फिश, सी इकाइनोडर्मेटा कटल फिश. और डी पे मोलस्का और उसके साथ है स्टार फिश. क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द ह्यूमन टीथ, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन टीथ हेल्प इन कटिंग. क्या वो मोलर है ए पे, बी पे इंसीजर इंसाइजर, सी पे कैनाइन, डी पे प्री मोलर. मोलर, इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर. क्वेश्चन नंबर 8, ल्यूकॉन बिलोंग्स टू विच फाइलम, ल्यूकॉन बिलोंग्स टू विच फाइलम. ऑप्शन में ए पे है मोलस्का, बी पे है आर्थ्रोपोडा, सी पे है पोरीफिरा, सी पे पोरीफिरा, डी पे इकाइनोडर्मेटा. मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, पोरीफिरा या फिर इकाइनोडर्मेटा. क्वेश्चन नंबर 9, रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन, किन में है रेडियल सिमेट्री ये देखना है. ऑप्शन ए पे है सेलेंट्रेट एंड प्लेटीहेलमिंथीस, बी पे सेलेंट्रेट एंड इकाइनोडर्मेटा, सी पे आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, और डी पे टीनोफोरा एंड सेलेंट्रेटा. ए पे सेलेंट्रेटा और उसके साथ प्लेटीहेलमिंथीस, बी पे सेलेंट्रेटा और उसके साथ इकाइनोडर्मेटा, सी पे आर्थ्रोपोडा विद मोलस्का, और डी पे टीनोफोरा विद सेलेंट्रेटा. क्वेश्चन नंबर 10, इसको जरा गौर से सुनिएगा, स्टेटमेंट काफी बड़ी है. विच ऑर्गेनिज्म बिहेव्स लाइक प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनिक फूड. विच ऑर्गेनिज्म बिहेव लाइक प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनिक फूड बट इन रिवर्स कंडीशंस बिहेव लाइक एनिमल्स. ऑप्शन ए है आर्चियोबैक्टीरिया, बी पे है यूग्लिना, सी पे है नोस्टॉक, और डी पे है पैरामेसियम. आर्चियोबैक्टीरिया, यूग्लिना, नोस्टॉक या फिर पैरामेसियम. क्वेश्चन नंबर 11, इन वाइटिकर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन यूनिसेलुलर यूकैरियोट प्राइमरीली एक्वाटिक एंड हैविंग वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स कॉन्स्टिट्यूट. फिर से रिपीट करती हूँ, इन वाइटिकर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन यूनिसेलुलर यूकैरियोट प्राइमरीली एक्वाटिक एंड हैविंग वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स कॉन्स्टिट्यूट. ए पे मोनिरा, बी प्रोटिस्टा, सी एनिमेलिया या फिर डी पे प्लांटी.
तो आपने किंगडम चूज करनी है, मोनीरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया या फिर प्लांटी। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ध्यान से सुनिएगा स्टेटमेंट। ए पे एनिमल एंड फंगल सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट, बी पे एनिमल एंड प्लांट सेल डू नॉट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, सी पे प्लांट एनिमल एंड फंगल सेल्स पोजेस माइटोकॉन्ड्रिया, डी पे ऑल प्लांट सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट्स। फिर से मैं ऑप्शन बोलती हूँ, करेक्ट आपने बताना है। एनिमल एंड फंगल सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट, एनिमल एंड प्लांट सेल डू नॉट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट एनिमल एंड फंगल सेल पोजेस माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर डी पे ऑल प्लांट सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द काइंड ऑफ सेल एंड देयर सेक्रेशन आर करेक्टली मैच्ड। कौन से जो सेल और उनकी सेक्रेशन आपस में मैच करती है, ये ऑप्शन देखिएगा। ए पे ऑक्सेंटिक सेल, अ सेक्रेशन विद पीएच बिटवीन 2 and 3। ऑक्सेंटिक सेल ए पे अ सेक्रेशन विद पीएच बिटवीन 2 and 3। B पे अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, सेक्रेशन दैट डिक्रीज ब्लड शुगर। C पे कफर सेल, अ डाइजेस्टिव एंजाइम दैट हाइड्रोलाइज न्यूक्लिक एसिड। और D पे स्पेशियस ग्लैंड, अ सेक्रेशन दैट एवेपोरेट्स फॉर कूलिंग। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेक्रेशन इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स सोर्स। किन की सेक्रेशन अपने सोर्स के साथ मैच करती है। ए पे है पेप्सिनोजन चीफ सेल, बी पे है काइमोट्रिप्सन पेरिटल सेल्स, सी पे है एचसीएल गॉबलेट सेल्स, और डी पे म्यूकस ऑक्सेंटिक सेल्स। क्वेश्चन नंबर 15, लिपर्स विच कैन बी फाउंड इन ऑयल बेस्ड सलाद ड्रेसिंग्स एंड आइसक्रीम ड्यूरिंग डाइजेशन इज सप्लीटेड इनटू। ए पे फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, बी पे ग्लिसरॉल एंड अमाइनो एसिड, सी पे ग्लूकोज एंड फैटी एसिड्स, डी पे ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स। क्वेश्चन नंबर 16, इफ फूड इनटेक इज ग्रेटर देन एनर्जी यूज्ड द सरप्लस इज डिपॉजिटेड एज। इफ फूड इनटेक इज ग्रेटर देन एनर्जी यूज्ड द सरप्लस इज डिपॉजिटेड एज। ए पे है फैट, बी पे प्रोटीन, सी पे ग्लाइकोजन, डी पे फैट एंड ग्लाइकोजन।
question number 17. Sporogony of malarial parasite occurring. Sporogony जो malarial parasite की है कहाँ होती है? A पे liver of man, B पे RBC of man, C पे stomach wall of mosquito और D पे salivary gland of mosquito. A पे liver of man, B पे RBC of man, C पे stomach wall of mosquito, D पे salivary gland of mosquito. अगली स्लाइड देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 18. द कॉमन पैसेज इन स्वाल्विंग फूड एंड ब्रीदिंग. स्वाल्विंग और ब्रीदिंग का कॉमन पैसेज कौन सा है? ए पे गलट, बी पे ग्लॉटस, सी पे लेरिंक्स या फिर डी पे फेरिंक्स. क्वेश्चन नंबर 19. दिस अबाउट स्पॉन्ज इज ट्रू. स्पॉन्ज के बारे में क्या चीज ट्रू है? ए पे वन माउथ, इनम्बरेबल एग्जिट्स, बी पे इनम्बरेबल माउथ वन एग्जिट, सी पे लार्ज स्पेशियस स्टमक, डी पे स्पिक्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ काइटन. स्पिक्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ काइटन. वन माउथ इनम्बरेबल एग्जिट्स या फिर इनम्बरेबल माउथ वन एग्जिट या सी पे लार्ज स्पेशियस स्टमक, डी पे स्पिक्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ काइटन. क्वेश्चन नंबर 20. एनिमल लैकिंग एक्सक्रीटरी रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर आर. जिनमें ये तीनों सिस्टम नहीं है वो कौन है? ए पे स्पॉन्जेस, बी पे टैप वर्म, सी लिवर फेल्यूक या फिर डी पे थ्रेड वर्म्स. Question number 21. Salivary amylase is also known as. Salivary amylase is also known as. A पे है टाइलन, B पे गैस्ट्रिन, C पे ग्लाइऑक्सिलेज या फिर D पे पेप्सिन. A पे टाइलन, B पे गैस्ट्रिन, C पे ग्लाइऑक्सिलेज या फिर D पे पेप्सिन. Question number 22. The group of animal to which cycone belongs can be best described as. जिनमें cycone पाया जाता है उसमें कौन सी best description है देखते हैं. A पे multicellular having tissue organization, B पे unicellular और acellular, C पे multicellular with a gastrovascular cavity या D पे multicellular without any tissue organization.
Question number 23, collared flagellated cell that covered large part of inner chamber of sponges, helping water circulation to continue are. Collared or flagellated cells भी हैं, inner chamber को sponge को cover किया हुआ है, water circulation करते हैं, कौन से हैं? A पे porocytes, B पे quinocytes, C पे amebocytes या फिर D पे pinacocytes. Porocyte, quinocyte, amebocyte या pinacocytes. Question number 24, बहुत easy. Female pigeon secrete milk through. Female pigeon secrete milk through. A पे salivary gland. B पे modified sweat glands, C पे crop, D पे gizzard. Salivary gland, B पे modified sweat gland, C पे crop, D पे gizzard. Next, 25. Which of the following has highest pH? A पे saliva, B पे gastric juice, C पे pancreatic juice, D पे secretion from parietal cells. Question number 26. Radial symmetry is usually exhibited in animal which? किन में है radial symmetry? A पे आर अटैच टू द सबस्ट्रेटम, बी पे वन ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, सी लिव इन वाटर, डी हैव सीलियरी मोड ऑफ फीडिंग. क्वेश्चन नंबर 27 फिर बहुत इजी. ग्रेवयार्ड फॉर आरबीसी इज. ग्रेवयार्ड फॉर आरबीसी इज ए पे लीवर, बी स्प्लीन, सी किडनी, डी लिम्फ ग्लैंड. ट्वेंटी एट भी बहुत इजी क्वेश्चन है. In which of the following animals dimorphic nucleus is present? Dimorphic nucleus is present. A पे amoeba proteus, B trypanosoma gambiens, C plasmodium vivax या फिर D पे paramecium caudatum. ट्वेंटी नाइन पे द चीफ एडवांटेज ऑफ एंसिस्टमेंट ऑफ एन अमीबाइज. एंसिस्टमेंट का चीफ एडवांटेज क्या है? ए पे द एबिलिटी टू सर्वाइव ड्यूरिंग एडवर्स फिजिकल कंडीशंस, बी पे है द एबिलिटी टू लिव फॉर सम टाइम विदाउट इंजेस्टिंग फूड, सी पे है प्रोटेक्शन फ्रॉम पैरासाइट एंड प्रीडेटर्स, और डी पे द चांस टू गेट रिड ऑफ एक्यूमुलेटेड वेस्ट प्रोडक्ट. क्वेश्चन नंबर 30 कॉमन सेंस का ये क्वेश्चन है. व्हेन अ फ्रेश वाटर प्रोटोजोन पोजेसिंग अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, व्हेन अ फ्रेश वाटर प्रोटोजोन पोजेसिंग अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज प्लेस्ड इन अ ग्लास कंटेनिंग मरीन वाटर, द वैक्यूल विल. क्या वो
ए पे इंक्रीज इन नंबर, ये हो जाएगा, या बी पे डिसअपीयर, सी पे इंक्रीज इन साइज, डी डिक्रीज इन साइज। फिर से रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन भी और ऑप्शन भी। When a freshwater protozoan possessing a contractile vacuole is placed in a glass containing marine water, the vacuole will A पे increase in number, B disappear, C increase in size, D decrease in size। Question number 31, cells of pinacocyst are in shape. A pe round, B polygonal, C oval, D tetrahedron. Question number 32. Which of the following characteristic is not related to porifera? कौन सा character porifera से relate नहीं करता? A पे all adult are sessile, B multicellularity, C all are aquatic, D tissue and organ system। Question number 33, which of the following cells of sponges are flagellated? A pe quinocyst, B pinacocyst, C porocyst, D archiocyst। Question number 34. Which are food capturing cells of sponge? Which are food capturing cells of sponge? A pe quinocytes, B porocytes, C pinacocytes, D scleroblast. Quinocytes, porocytes, pinacocytes, scleroblast। Question number 35. Amount of water absorbed by small intestine is A पे 2 to 3 liter per day, B 5 to 7 liter per day, C 9 liter per day, या फिर D पे 7 to 9 liter per day। A पे रेनन, B पे लाइपेज, C ट्रिप्सन, या D पे पेप्सन। A पे रेनन है, B पे लाइपेज, C पे ट्रिप्सन, या D पे पेप्सन। क्वेश्चन नंबर 38। With reference to a normal human being, which one of the following statement is not correct? कौन सी statement correct नहीं है? A पे human saliva is slightly alkaline, B पे an adult human may secrete 1 to 1.5 liter of saliva per day, C saliva is secreted by 6 pair of salivary gland in human beings, और डी पे
The salivary enzyme ptyalin breaks down cooked starch into maltose. ऑप्शन फिर मैं रिपीट कर देती हूँ कि कौन सा करेक्ट नहीं है. ए पे है ह्यूमन सलाइवा स्लाइटली अल्कलाइन. बी पे है एन एडल्ट ह्यूमन मे सेक्रीट 1 to 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा पर डे. सी पे है सलाइवा इज सेक्रेटेड बाय 6 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इन ह्यूमन बीइंग्स. और डी पे है द सलाइवरी एंजाइम ptyalin ब्रेक्स डाउन कुक्ड स्टार्च इनटू माल्टोज. क्वेश्चन नंबर 39. इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट विल नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ. इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट विल नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ. ए पे लाइपेज, बी पे बाइल पिगमेंट, सी पे बाइल साल्ट, डी पे पैनक्रियाटिक जूस. ए पे है लाइपेज, बी ऑप्शन में है बाइल पिगमेंट, सी पे है जी बाइल साल्ट और डी पे है पैनक्रियाटिक जूस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है. विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल डज नॉट सेक्रीट एनी डाइजेस्टिव एंजाइम. कौन सा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है जो कोई एंजाइम सेक्रीट नहीं करता. बहुत इजी. ए पे माउथ, बी पे स्टमक, सी पे ड्यूडिनम और डी पे एसोफेगस. माउथ, बी पे स्टमक, सी पे ड्यूडिनम और डी पे एसोफेगस. क्वेश्चन नंबर 41. लीवर ऑफ मैन इज ए ऑप्शन है जी बाइलोब्ड, बी पे है थ्री लोब्ड, सी पे फोर लोब्ड या फिर डी पे फाइव लोब्ड. क्वेश्चन नंबर 42. एलिमेंट्री कैनाल इज यूजली लॉन्गर इन. किन में बड़ी होती है एलिमेंट्री कैनाल, ज्यादा लॉन्ग होती है. ए पे कार्निवोरस, बी हर्बीवोरस, सी पे है जी ओमनिवोरस और डी पे है इंसेक्टिवोरस. यानी कार्निवोरस में होती है क्या, वो बी पे जो हर्बीवोरस है उनमें होती है या ओमनिवोरस में या डी पे इंसेक्टिवोरस. कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, ओमनिवोर्स या फिर इंसेक्टिवोर्स. क्वेश्चन नंबर 43. टीथ आर एब्सेंट इन. टीथ किन में एब्सेंट है. ए पे है फ्रॉग, बी पे फिशेस, सी पे रेप्टाइल और डी पे मैमल. क्वेश्चन नंबर 44. मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर. जो डाइजेस्टिव एंजाइम है मोस्टली वो क्या है. ए पे लाइगेज, बी पे ऑक्सीडेजिस, सी पे हाइड्रोलेजिस या डी पे ट्रांसफरेजिस. लाइगेजिस, ऑक्सीडेजिस, हाइड्रोलेजिस या ट्रांसफरेजिस. क्वेश्चन नंबर 45. इन मैमल्स द डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट फ्रॉम.
जो स्टार्च की डाइजेशन है मैमल में वो कहाँ से शुरू हो जाती है, ए पे क्या वो माउथ है या स्टमक, बी पे, सी पे ड्यूडिनम और डी पे एसोफेगस। कि माउथ से स्टार्ट होती है, स्टमक से, ड्यूडिनम से या एसोफेगस से। क्वेश्चन नंबर 46, मैमल मे ड्रिंक वाटर एंड आल्सो गेट इट फ्रॉम, एक तो पानी पी लेते हैं, दूसरा वो कहाँ से पानी लेते हैं। ए पे है जी सेक्रीशन ऑफ सलाइवा, बी पे है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, सी पे है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज और डी पे है कन्वर्जन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 47, टाइलिन एक्ट अपॉन, टाइलिन एक्ट्स अपॉन, ए पे फैट, बी पे लाइपिड, सी स्टार्च, डी प्रोटीन। क्या वो फैट को डाइजेस्ट करता है, लिपिड को, स्टार्च को या फिर प्रोटीन को। क्वेश्चन नंबर 48, द मॉलिक्यूल यूज्ड बाय मोस्ट एनिमल फॉर लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज इज, द मॉलिक्यूल यूज्ड बाय मोस्ट एनिमल फॉर लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज इज, ए पे ग्लाइकोजन, बी पे फैट, सी पे स्टार्च, डी पे कोलेस्ट्रॉल। क्वेश्चन नंबर 49, द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ इज, ए पे साइज, बी पे लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज, सी पे शेप या फिर डी पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। किस बेस पे जो है प्रोटोजोआ की क्लासिफिकेशन की है, ए पे साइज, बी पे लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज, सी पे शेप और डी पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, सुडोपोडिया इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच क्लास, ए पे मेस्टिगोफोरा, बी सार्कोडीना, सी स्पोरोजोआ या फिर सीलिएटा। बढ़ते हैं अपनी की तरफ, आंसर की। मैं सिर्फ आंसर बोलूंगी तो आपने उसको कंपेयर कर लेना है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 जो था, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टिव जूस हैज मिनिमम पीएच वैल्यू, तो उसका ऑप्शन जो है वो कौन सा ठीक है, वो बी ऑप्शन, गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस इसका यानी बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, असेंशियली द वर्ड डाइजेशन मीन हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड, यानी इसका सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, इसका डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, आइडेंटिफाई द करेक्टरिस्टिक ऑफ एसिलोमेट, कि उसमें डी ऑप्शन है सॉलिड बॉडी विदाउट अ कैविटी सराउंडेड इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर। और क्वेश्चन नंबर 4 का देख लेते हैं, फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पार प्लेटी हेलमिंथीज, तो प्लेट फ्लैट वॉर्म में जो है वो क्या है, फ्लेम सेल है। क्वेश्चन नंबर 5, द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पोरीफिरा इज बेस्ड ऑन,
स्पिक्यूल्स यानी स्केलेटन की बेस पर हम इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, सी ऑप्शन ठीक है इसका क्वेश्चन नंबर 5 का। और क्वेश्चन नंबर 6 का सिलेक्ट द करेक्ट पेयर, इसका ए ऑप्शन आर्थ्रोपोडा सिल्वर फिश। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द ह्यूमन टीथ हेल्प इन कटिंग, तो हमें पता है हमारे फ्रंट के टीथ हैं इंसाइजर तो ये कटिंग करते हैं, ल्यूकोसिलोन। क्वेश्चन नंबर 8, ल्यूकोसिलोन बिलोंग टू विच फाइलम, तो ये डेफिनेटली क्या होगा, सी पोरिफेरा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन टीनोफोरा एंड सेलेंट्रेटा, यानी डी ऑप्शन लास्ट का ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो था, विच ऑर्गेनिज्म बिहेव लाइक प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनिक फूड बट इन रिवर्स कंडीशन बिहेव लाइक एनिमल, तो वो डेफिनेटली कौन है, यूग्लिना, तो इसका बी ऑप्शन ठीक है। और 11 का जो वाइटिकर ने किंगडम क्लासिफिकेशन जो थी दी थी, जिसमें यूनिसेलुलर यूकेरियोट को जो है वो रखा था, वो कौन सा था इसका ऑप्शन, इसका किंगडम जो है प्रोटिस्टा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो वो हमारी स्टेटमेंट कौन सी थी, सी यानी प्लांट एनिमल एंड फंगल सेल पोजेस माइटोकॉन्ड्रिया, बाकी कोई स्टेटमेंट ठीक नहीं थी, तो इसका 12 का जो है सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ काइंड ऑफ सेल्स एंड देयर सेक्रीशन आर करेक्टली मैच, तो इसका ऑप्शन जो है ए ऑक्सेंटिक सेल सेक्रीशन विद पीएच बिटवीन 2 and 3, तो इसका पहला ऑप्शन ठीक है ए। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेक्रीशन इज करेक्टली मैच विद इट्स सोर्स, तो इसका भी पहला ऑप्शन पेप्सिनोजन चीफ सेल। क्वेश्चन नंबर 15, दिखने में बहुत टेढ़ा है जी, लिपर्ड विच कैन बी फाउंड इन ऑयल बेस्ड सैलेड ड्रेसिंग एंड आइसक्रीम ड्यूरिंग डाइजेशन इज सेप्लीटेड, तो जितने भी लिपर्ड है हमें पता है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में सेप्लीट होते हैं, तो इसका ऑप्शन जो है ए ठीक है 15 क्वेश्चन का। और क्वेश्चन नंबर 16, इफ फूड इनटेक इज ग्रेटर देन एनर्जी यूज द सरप्लस इज डिपॉजिटेड एज, तो वो किस में चेंज हो जाती है, वो फैट और ग्लाइकोजन में, यानी डी ऑप्शन, फैट में और ग्लाइकोजन में अगर वो जरूरत से ज्यादा हो तो उसको फैट और ग्लाइकोजन में लीवर के अंदर जो है वो चेंज कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, स्पोरोगोनी ऑफ मलेरियल पैरासाइट अकर इन, तो स्पोरोगोनी का जो प्रोसेस है स्टमक वॉल ऑफ मॉस्किटो में होगा, यानी इसका सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 सी ऑप्शन, जो सी इसका है आंसर वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, द कॉमन पैसेज इन स्वेल्विंग फूड एंड ब्रीदिंग, तो ब्रीदिंग और स्वेल्विंग का ये जो कॉमन पैसेज है वो फेरेंक्स है, तो डी ऑप्शन इसका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, दिस अबाउट स्पॉन्ज इज ट्रू, तो इसके जो है नंबर ऑफ एबल माउथ, यानी इसके वो ऑस्टिया बहुत सारे हैं और एग्जिट एक ही है और वो ऑस्क्यूलम है, ये बड़ा टेढ़ा सा इसके आंसर दिए हुए हैं, वो सीधा सीधा दिया होता कि बहुत सारे ऑस्टिया और एक माउथ तो आप आराम से लगा देते, लेकिन यहाँ पर भी वही है इनम्बरेबल माउथ एंड वन एग्जिट, तो बी इसका 19 का बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, एनिमल लैकिंग एक्सक्रीटरी रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिनमें तीनों नहीं है तो वो स्पॉन्ज है, तो उसका ऑप्शन ए जो है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, स्लाइवरी एमाइलेज इज आल्सो नोन एज, तो उसको हम टाइलन, यानी ए का जो ऑप्शन है ए पे वो ठीक है, वो मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द ग्रुप ऑफ एनिमल टू विच साइकोन बिलोंग कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो इसका डी ऑप्शन मल्टीसेलुलर विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, लास्ट का ऑप्शन इसका ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 23, स्टार्ट में हमें पता चल जाता है कि कॉलर्ड और फ्लैजिलेटेड सेल जो स्पॉन्ज के हैं वो कौन से हैं, वो क्वाइनोसाइट्स हैं, तो बी ऑप्शन ठीक है। और 24, फीमेल पीजन सेक्रीट मिल्क थ्रू, वो अपने क्रॉप से जो है वो मिल्क प्रोड्यूस करती है, तो इसका सी ऑप्शन 24 का सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट पीएच, तो पैनक्रियाटिक जूस की हाईएस्ट पीएच होती है।
or 26 radial symmetry is usually exhibited in animal which are attached to the substratum. So, substratum pe attach hote hain. इसमें आप वन ओपनिंग नहीं लगाओगे क्योंकि वन ओपनिंग जो है वो तो हम ये नहीं कह सकते. स्टारफिश की तो दोनों ओपनिंग है, माउथ भी और एनस भी, लेकिन उसके बावजूद उसकी रेडियल सिमेट्री है. तो इसका ऑप्शन ए जो है वो आएगा, आर अटैच टू द सबस्टेटम. ज्यादातर ये जो है सेसाइल और अटैच होते हैं. और 27 बहुत ईजी, ग्रेवयार्ड फॉर आरबीसी कहाँ पर है, स्प्लीन में. बी ऑप्शन इसका ठीक है 27 का. और 28 का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डायमॉर्फिक न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड. बार बार मैंने बताया था पैरामिशियम कॉडेटम, तो डी ऑप्शन इसका ठीक है. क्वेश्चन नंबर 28 का डी ऑप्शन लास्ट वाला. 29 क्या है, द चीफ एडवांटेज ऑफ एनसिस्टमेंट ऑफ एन अमीबा इज. कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपने बाहर सिस्ट चढ़ाता है वो हमेशा हार्श किस्म के इन्वायरमेंट को बचने के लिए जो है वो अपने ऊपर कवरिंग करता है. तो इसका ऑप्शन जो है ए होगा, द एबिलिटी टू सर्वाइव ड्यूरिंग एडवर्स फिजिकल कंडीशन. क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन अ फ्रेश वाटर प्रोटोजोन पोजेसिंग अ कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल इज प्लेस्ड इन अ ग्लास कंटेनिंग मैरीन वाटर द वैक्यूल इज. तो जो वैक्यूल के अंदर जो है वो डाइल्यूट जो है वो वाटर होगा, यानी उसमें साल्ट कम होंगे और पानी ज्यादा होगा. मैरीन वाटर में साल्ट ज्यादा है, तो हमें पता है कि यहाँ पे डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा. वैक्यूल से पानी जो है वो ग्लास की तरफ आएगा और वैक्यूल जो है वो श्रिंक कर जाएंगे. तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो डिक्रीज इन साइज. ये हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट से जो है, अगर ये आपके पॉइंट क्लियर हैं तो फौरन आप आंसर कर दोगे डिक्रीज इन साइज. तो डी ऑप्शन 30 का डी ऑप्शन. 31, सेल्स ऑफ पिनाकोसाइट्स आर इन शेप. ये पॉलीगोनल, हमने बार बार इसको किया था, तो बी ऑप्शन इसका ठीक है 31 का. 32 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट रिलेटेड टू पोरीफिरा. कौन सा करेक्टर है जो पोरीफिरा डी यानी लास्ट ऑप्शन उससे रिलेट नहीं करता. इनमें टिश्यू भी है और ऑर्गन सिस्टम भी है, और हमें पता ऐसे नहीं है, इनमें सिर्फ टिश्यू सिस्टम है, टिश्यू है ऑर्गन सिस्टम नहीं है. तो डी ऑप्शन 32 का डी ऑप्शन. 33, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑफ स्पॉन्ज आर फ्लैजिलेटेड. तो वो क्वेनोसाइट्स हैं. और 34, आर फूड कैप्चरिंग सेल ऑफ स्पॉन्ज फूड को कौन कैप्चर करते हैं, वो भी क्वेनोसाइट्स. यानी उसका भी ए ऑप्शन ठीक है. 35 का, अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय स्मॉल इंटेस्टाइन. तो आई थिंक वो 9 लीटर. हाँ जी, 9 लीटर पर डे. तो ये इसका ऑप्शन ठीक है. और 36 का, यानी 35 का सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन. और 36 जो है, पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म थ्रू हाइड्रोजन आयन. इसका ए ऑप्शन, 36 का ए ऑप्शन ठीक है. 37, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैरीज आउट द इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन. तो वो पेप्सिन, यानी डी ऑप्शन ठीक होगा. और 38 का, विद रेफरेंस टू अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. तो हमारे 3 पेयर होते हैं स्लाइवरी ग्लैंड के, और यहाँ 6 पेयर लिखा हुआ है. तो ये सी ऑप्शन जो है वो जो है करेक्ट नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन ठीक है. और क्वेश्चन नंबर 39, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट विल नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ. तो बाइल साल्ट अगर ना हो तो इमल्सिफिकेशन फैट की नहीं होती. तो 39 का में ऑप्शन जो है वो कौन सा होगा, सी वो ठीक होगा. क्वेश्चन नंबर 40, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल डज नॉट सेक्रीट एनी डाइजेस्टिव एंजाइम. एसोफेगस में से कुछ भी जो है डाइजेशन नहीं होती, कोई किसी किस्म का एंजाइम जो है वो सेक्रीट नहीं होता. तो क्वेश्चन नंबर 40 का लास्ट वाला ऑप्शन डी वो सही है. 41, लीवर ऑफ मैन इज 4 लोब. इसका सी ऑप्शन ठीक है. और क्वेश्चन नंबर 42, एलिमेंट्री कैनाल इज यूजली लॉन्गर इन हर्बीवोर्स में लॉन्गर होती है. तो इसका बी ऑप्शन ठीक है. और टीथ आर एब्सेंट 43 में, हमें पता है कि रेप्टाइल में वो एब्सेंट होते हैं. तो सी ऑप्शन इसका ठीक है. और 44 का, मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर, आई थिंक वो हाइड्रोलेजिस हैं. हाँ जी, हाइड्रोलेज जो है ये एंजाइम सबसे जो है वो मोस्ट डाइजेस्टिव है. और 45 का, इन मैमल द डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट फ्रॉम. तो स्टार्च की डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है. स्लाइवरी ग्लैंड जो है वो ये एंजाइम खारिज करते हैं. तो इसका ऑप्शन ए जो है वो ठीक है.
क्वेश्चन नंबर 46, मैमल में ड्रिंक वाटर एंड आल्सो गेट इट फ्रॉम, तो ग्लूकोज को तोड़ के भी पानी लिया जाता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, बी ऑप्शन इसका ठीक है। 47 का टाइलन एक्ट अपॉन, तो टाइलन स्टार्च पे जो है वो क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करवाता है, सी ऑप्शन ठीक है 47 का। 48 का द मॉलिक्यूल यूज्ड बाय मोस्ट एनिमल फॉर लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज, इसको फैट की फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है लॉन्ग जो है टर्म में, वैसे अमूमन ग्लाइकोजन में, लेकिन अगर हमने ज्यादा देर के लिए स्टोर करना हो और काफी देर तक रखना हो तो किस में करते हैं, फैट में, तो 48 का बी ऑप्शन ठीक है। और 49 द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ, लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस की बेस पर हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। और 50 सोडोपोडिया इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच क्लास, सार्कोडीना, तो इसका बी ऑप्शन ठीक है। अब आप अपने जो है देखें कि आपके कितने आंसर ठीक हैं, और हमारे साथ जो है वो शेयर करें और अपना कंपैरिजन करें कि आपने कितना अपने आप को इम्प्रूव किया है, पहले से कितने आप जो है आप में इम्प्रूवमेंट हुई है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे और टेस्ट भी हमारे इसी तरह होते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।